आज के इस एपिसोड में रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मि रथी भाग 3 कृष्ण की चेतावनी। जब पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेकर दुर्योधन के पास 5 गांव मांगने आते हैं, परंतु दुर्योधन समझने की बजाय भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयत्न करते हैं। देखते हैं दिनकर जी इनके लिए क्या लिखते हैं। ये वे पंक्तियां हैं जिनको वर्तमान समय का हर कवि वाचन करना चाहेगा। आइए सुनते हैं। हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस। पावक में कनक सदृश तप कर, वीरत्व लिए कुछ और प्रखर। नस नस में तेज प्रवाह लिए, कुछ और नया उत्साह लिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खमठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का सिंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगा कर ही, जाते हैं हमें जगा कर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतब अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में शाल न मिलते हैं। कंकड़ियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है। जो लक्षाग्रह में जलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा, मेरे किशोर मेरे ताजा। जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिंगारी है। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम। सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को। दुर्योधन को समझाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो। पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे। परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है। मुझमें विलीन झंकार सकल, मुझमें लय है संकार सकल। अमृत्व फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें। उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख,
मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु जन पदि धनेश, सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंड घर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इने हाँ हाँ दुर्योधन बांध इने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है पहचान, पहचान कहाँ इसमें तू है, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं, जीवा से करती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों और मरण, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सुनने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या की मरण होगा, टकराएंगे नक्षत्र निकल, बरसेगी भू पर अग्नि प्रखर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय।